हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्पूकी स्टोरीज हिंदी और आज की एक्सप्लेनेशन सच में थोड़ी सी ज़्यादा क्रीपी होने वाली है अभी तक के मेरे बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में, तो वीडियो को सोच समझ के देखना। अगर आप अभी तक बने हुए हो वीडियो में तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं द फर्स्ट वोमन मिस्ट्रिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग मूवी ऑफ 2024 है, बिकॉज इस मूवी में एक शैतान का जिक्र किया गया है और वो भी चर्च के पाले गए। बाकी मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी है जिसे देखकर बहुत ज़्यादा क्लमजी फील होता है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक चर्च को जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ फादर ब्रेनन आते हैं और फिर अगले ही सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कुछ इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है और फिर एक भयानक सी परछाई उस लड़की पे पड़ती है। वो परछाई किसी शैतान की थी जो चर्च के द्वारा रखा गया था और उस लड़की का रेप करता है, जिसके डर में और दर्द में उस लड़की ने बहुत चीखा और चिल्लाया लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। और फिर जब सब ख़त्म हो गया तो वापस से सीन को चर्च में लाया गया और फिर चर्च के मेन व्यू ग्लास जिसमें होली मेरी का पेंटिंग बना हुआ था वो फादर लॉरेंस के ऊपर गिर गया और वो वहीं मर गए, जिसे देख फादर ब्रेनन वहां से चले गए और सीन को वापस से पास्ट में लाया गया 1971 रोम। रोम शहर के वेटिकन सिटी में अमेरिका के चर्च से सिस्टर मार्गरेट को अचानक बुलाया गया और यहाँ सिस्टर मार्गरेट के ज़्यादा पहचान वाले भी नहीं थे एक्सेप्ट फादर लॉरेंस, जो उन्हें चर्च के बारे में सारी जानकारी दे रही थी। वेटिकन में आने के बाद मार्गरेट को पता चला कि वहाँ एक स्ट्राइक चल रही थी जो कि करंट जॉब सिचुएशन की वजह से थी। इस टॉपिक पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद मार्गरेट को सिस्टर सिल्वा से इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर उन्होंने मार्गरेट को पूरा चर्च दिखाया और उनका काम समझाया जो कि एक टीचर के पोस्ट का था। टूर के वक्त मार्गरेट को सिस्टर एंजेलिका दिखी तो सिस्टर सिल्वा ने कहा कि ये इसी चर्च में पली बड़ी थी और वो भी मार्गरेट की तरह एक टीचर है, लेकिन मार्गरेट को थोड़ा अजीब लगा उसके बिहेवियर से। जिसके बाद मार्गरेट को एक रूम दिखा जिसमें सिर्फ एक अकेली बच्ची थी और मार्गरेट को बाद में पता चला कि वो असल में बेडरूम है जहां सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जो चर्च के नियम अनुसार नहीं चलते। उस बच्ची का नाम था कार्लिटा सियाना। ये नाम याद रखना बिकॉज इसका जिक्र बहुत बार होने वाला है। अभी तक सब नॉर्मल था लेकिन शाम के बाद चर्च में सिस्टर मार्गरेट को अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गया, जैसे उन्हें कोई देख रहा था या फिर कोई उन्हें बुरी तरह टच कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद सिस्टर लूज वहां आती है और फिर सब वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसके कुछ देर बाद उन दोनों ने थोड़ी बातचीत की और फिर मार्गरेट को पता चला कि सिस्टर लूज एक थीस थी जो चर्च के नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं करती, जिसके वजह से सिस्टर लूज को बहुत छूट मिलती थी। लाइक वो बार्स में जा सकती थी, किसी से सेक्स कर सकती थी या फिर और इवन प्रेग्नेंट भी हो सकती थी। तो अगले दिन शाम को लूज ने अपने साथ सिस्टर मार्गरेट को वेटिकन बार में ले गई और फिर उन दोनों ने बहुत मज़ा किया, लेकिन लूज ने मार्गरेट को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक करवा दिया था जो उसे बिल्कुल भी हैबिचुएटेड नहीं थी। तो वो अब किसी भी लड़के के पास जाकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसी में एक लड़का उसे पसंद आ गया और फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी। अगले दिन सुबह को जब सिस्टर मार्गरेट अपने आप को ऐसे हालात में देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जीसस क्राइस्ट के सामने जाकर माफ़ी मांगने लगती और अपने पश्चाताप की कामना करती है। जिसके बाद उसे चर्च के बाहर फादर ब्रेनन मिलता है
जो मार्गरेट को कार्लिटा सियाना के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि वो बच्चा एक श्रापित बच्चा है और उसे एक वेसल की तरह यूज़ किया जा रहा है। पर मार्गरेट ने उस पर उतना ध्यान ना देकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन अगले कुछ समय बाद वो उस बात को लेकर सोचती है और कार्लिटा का मदद करने का ठानती है। फिर अगले दिन उसी सोच में कार्लिटा के साथ बातचीत शुरू करती है और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि अचानक सिस्टर एंजेलिका, वही सिस्टर जो बहुत अजीब बिहेव करती थी, वो अपने गले में रस्सी को गांठ बांध के अपने आप को आग लगा के झूल गई, जिसे देखकर सभी के सभी डर गए और वहाँ से चले गए। एंजेलिका ने मरने से पहले बोला था, दिस इज़ फॉर यू। अब मार्गरेट को उतना पता नहीं था कि उसने किसको बोला, लेकिन द मैसेज वॉज फॉर द मार्गरेट। इसके बाद सिस्टर मार्गरेट को बहुत परेशानी हुई अकेले रहने में, पर सिस्टर लूज ने हमेशा उसका साथ दिया। इसके बाद एक दिन फादर ब्रेनर ने मार्गरेट को कॉल किया और उन्हें एक अपार्टमेंट में आने को बोला। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उन्हें पता चला कि कार्लिटा सच में एक वेसल है जिसे चर्च यूज़ कर रहा है। चर्च ने एक शैतान को पाल रखा है जो कार्लिटा को रेप कर एक बच्चे को जन्म देगा और वो बच्चा बड़ा होकर कुछ महान करेगा, एंड ऑब्वियसली कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा इन केस ऑफ महान। तो ये सुन के मार्गरेट थोड़ी डर गई, लेकिन एट दी एंड वो अपनी सर्च स्टार्ट की। जिस दिन सिस्टर लूज का एक प्रॉपर चर्च का सिस्टर होना घोषित हुआ, लेकिन ये थोड़ा एबनॉर्मल था बिकॉज ऐसे थीसिस चर्च के सिस्टर्स कभी भी ऐसे प्रॉपर सिस्टर घोषित नहीं किया जा सकता। बट इसके एक दिन पहले मार्गरेट के साथ उस रात जो लड़का सोया था, वो लड़का उस चर्च के सामने मिला, लेकिन वो मार्गरेट को देख भाग रहा था। आखिर में मार्गरेट ने पूछा कि वो भाग क्यों रहा है और उस रात असल में हुआ क्या था, लेकिन वो सिर्फ इतना बोला कि अपने शरीर में मार्क को ढूंढो, और फिर एक ट्रक ने आकर उसे मार दिया। आई एम प्रीटी श्योर कि वो ट्रक चर्च वालों ने ही भेजा होगा, बट अब क्या, वो लड़का भी मर चुका था। तो बैक टू प्रेजेंट, अब मार्गरेट को वेटिकन चर्च में सीक्रेट फाइल्स इन टर्म्स ऑफ सियानास मिल चुका था। अब मैं सियानास क्यों बोल रहा हूँ ये बाद में पता चलेगा। अब वो फाइल्स लेकर रात में उसी अपार्टमेंट में गई और उन फाइल्स में लगभग 20 से 25 सियाना थी। तो अब पता चला कि क्यों मैं सियानास बोल रहा था। कुछ देर बाद उन फाइल्स को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक फ़ाइल मिली बिना कोई पिक्चर के, एक रिपोर्ट भी उसमें था। तो फादर ब्रेनर ने कहा कि उनके पास भी एक पिक्चर है सियाना का, अब वो कौन है किसी को नहीं पता। तो पिक्चर को मार्गरेट ने बहुत अच्छी तरह देखा और फिर उसने नोटिस किया कि हर एक सियाना के शरीर में शैतानी नंबर 666 का मार्क है जो उस पिक्चर में बच्चे के सिर में था। और फादर ब्रेनर ने अब श्योर हो गए कि असली वेसल यही बच्चा है जिसके सिर में ये मार्क है। तो मार्गरेट ने बहुत ढूंढा और उसे मिला कि कार्लिटा का मार्क उसके मुँह के अंदर है, तो उसने अपने शरीर में देखा तो उसके सिर में वो मार्क था। अब वापस से हैरान। इसके बाद फादर ब्रेनर ने एक डॉक्टर का प्रस्ताव रखा और कहा कि एबॉर्शन करना पड़ेगा, पर उन दिनों एबॉर्शन का कॉस्ट और पेन दोनों ही बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते एबॉर्शन में बहुत औरतें मारी गई थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। तो सब ने एक गाड़ी में बैठ के डॉक्टर के वहाँ जा रहे थे कि तभी एक और गाड़ी आकर उन्हें ठोक देती है, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और दूसरे गाड़ी के लोग मारे गए, लेकिन मार्गरेट बच गई और जब निकली तो बहुत दर्द में थी। फिर अचानक से उसका पेट प्रेग्नेंट लेडी की तरह फूलने लगा और फिर चर्च के कुछ लोग आकर उसे लेकर चले गए, जिसके बाद उसका सीजर ऑपरेशन हुआ जो कि बेहद दर्दनाक था। और जब बच्चों को देखा गया तो पता चला कि एक लड़का और एक लड़की हुई है। चर्च वाले बेहद खुश होकर उस लड़के को लेकर चले गए और मार्गरेट और उसकी लड़की वहीं छोड़ गए।
फिर उन्होंने उस जगह को आग भी लगा दिया ताकि वो लोग मर जाए। लेकिन तभी कार्लिटा आकर उन दोनों को वहाँ से निकाला और वो तीनों वहाँ से बहुत दूर चले गए। चर्च वालों को पता था अगर इस लड़के को इन्फ्लुएंशियल बनाना है तो इसे किसी ऐसी जगह भेजना पड़ेगा जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में है। तो उन्होंने उस लड़के को अमेरिकन एम्बेसडर के जस्ट बॉर्न इन्फेंट चाइल्ड के साथ बदल दिया और फिर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। गाइज, ये मूवी वन ऑफ द क्रीपीएस्ट, डिस्टर्बिंग एंड फुल ऑफ अनआइडेंटिफाइड प्लॉट के साथ बनी है। ये वीडियो बस मूवी का एक ओवरव्यू था। अगले वीडियो में मैं इसका एक कंक्लूशन लाऊंगा जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। सो स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड पीस आउट।